इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम की करते हैं, जहां आज हाई वोल्टेज ड्रामा ज्यादा होगा। रोड शो या फिर रैली, वार पलटवार ज्यादा होंगे। नंदीग्राम में 1 अप्रैल को वोटिंग होगी और चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन उसके पहले नंदीग्राम की सियासी जमीन पर अमित शाह और मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री होगी। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नंदीग्राम का सियासी तापमान आसमान छुएगा। मालिक মমতা ব্যানার্জি, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর গোলাবাজ ভাইপো, আর এগুলো সব কর্মচারী পঞ্চায়েতের চোর। 24-25 জন মানুষ খুন করলো, আজকে তারা বিজেপির নেতা আর গদ্দার তাদের নেতা। ইতিহাস রচেঙ্গে তো হার কে ভাগ ভাগেগি। নন্দীগ্রাম কি এ লড়াই হি বঙ্গাল কে ভাগ্য কা রাস্তা তয় করেগি। नंदीग्राम का संग्राम आज नंदीग्राम की सड़कों पर नजर आने वाला है, रैलियों में नजर आने वाला है, बयानों में नजर आने वाला है। 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग में नंदीग्राम के लिए भी मतदान होगा, लेकिन आज शाम चुनाव प्रचार थमने से पहले नंदीग्राम में जबरदस्त सियासी एक्शन होगा। नंदीग्राम में 12 बजे से अमित शाह का रोड शो होगा। अमित शाह रोड शो खत्म करेंगे तो 4 बजे शुभेंदु के लिए मिथुन चक्रवर्ती रोड शो करेंगे। उधर सुबह होते ही 11 बजे ममता बनर्जी का रोड शो शुरू हो जाएगा। साथ ही चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ममता बनर्जी 4 छोटी-छोटी जनसभाएं करेंगी। सोमवार को ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर बैठकर नंदीग्राम की गलियों में चुनाव प्रचार करती रही, तो शुभेंदु अधिकारी घर घर पहुंचकर जीत के लिए आशीर्वाद मांगते रहे। लेकिन आज नंदीग्राम में ममता को कैसे घेरा जाएगा, इसका ट्रेलर कल अमित शाह ने दे दिया है। बंगाल की बेटी शोभा मजूमदार जी के निधन से दुखी हूं, जिन्हें टीएमसी के गुंडों ने बेरहमी से पीटा था। उनके परिवार का दर्द और जख्म लंबे समय तक ममता दीदी को परेशान करेगा। बंगाल हिंसा मुक्त भारत के लिए लड़ेगा। बंगाल हमारी बहनों और माताओं के लिए एक सुरक्षित राज्य की लड़ाई लड़ेगा। 85 साल की शोभा मजूमदार की कल मौत हो गई है। 1 महीने पहले टीएमसी वालों ने शोभा मजूमदार को इसलिए पीटा था क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है। सूजे हुए चेहरे की तस्वीर पूरे देश में वायरल हो गई थी। सबसे बड़ी गुंडी ममता बनर्जी, सबसे बड़ा गुंडी। 85 साल का लेडी का देहांत हो गया। ममता की ममता बनर्जी बेगम ममता बनर्जी की गुंडा ने वो मौत का घाट उतार दिया निमता में। देख लीजिए, 1 महीने पहले जिसको इंजोर किया था वो लेडी मर गया। सबसे बड़ी गुंडी है ममता। ममता फंस गई है बुरी तरह। वो बता नहीं पा रही है कि मौत क्यों हुई। नंदीग्राम में जब रैली के बीच अमित शाह के ट्वीट की खबर मिली तो वो गुस्से से लाल हो गई। आज के अमित शाह होम मिनिस्टर যদি কোন বোন মারা যায়, আমি জানি না কেন মারা গেছে, কি করে মারা গেছে, আমি যে কোনো মৃত্যুকে কন্ডেম করি, আমি কোনো মৃত্যুকে সাপোর্ট করি না। আর বাংলায় আমরা মৃত্যুকে ভালোবাসি না, মা বলে যে কোনো অত্যাচারকে আমরা কখনো পছন্দ করি না। টুইট করে বলছেন বেঙ্গল কা কে হাল হ্যায়, তোমারা ইউপি কা কে হাল হ্যায়, তোমারা হাথরস কা কে হ্যায়, দিল্লি কা কে হ্যায়, রাজস্থান কে কে হ্যায়। তখন কি অমিত শাহ মুখে লুকো প্লাস্টার দিয়ে বসে থাকে না ঠুটো জগন্নাথের মতো ফুটকা অবস্থা কে মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। नंदीग्राम की लड़ाई दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल है, सियासी साख का भी सवाल है। इसी साख को बरकरार रखते हुए बीजेपी और टीएमसी दोनों बंगाल विजय का रास्ता तय करने की कोशिश में हैं। की कोरा छेड़ा बोलूं तो আমি কি দিনি নন্দীগ্রামটা আমি লড়াই করতে দিয়েছিলাম, এই কারণে যে নন্দীগ্রামটা আমার খুব প্রিয় ছিল। নন্দীগ্রামে আমি আন্দোলন করেছি। নন্দীগ্রামে যখন প্রথম আন্দোলন হয় কে ছিল আপনাদের সাথে? उसके तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जिस चीफ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को बोलता है, हिंदी लैंग्वेज यूज करता है, उसका कोई बात पर कोई आंसर नहीं दूंगा। और कथार उत्तर देव ना, बेगमेर कथार उत्तर नहीं, उत्तर नंदीग्राम देवे 1 तारीखे 2 तारीखे गणना बोलिए। नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी की जमीनी ताकत से शुभेंदु अधिकारी अच्छी तरह वाकिफ है और शुभेंदु अधिकारी की ताकत को ममता अच्छे से जानती है, इसलिए पिछले 3 दिन से ममता बनर्जी नंदीग्राम में खूंटा गाड़ कर बैठी हैं। नंदीग्राम में आज सारे दिग्गज होंगे, वार पलटवार होगा, सियासी तपिश में नंदीग्राम का सियासी पारा आज अपनी ऊंचाइयों को छूने वाला है।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।